पार्क समझाया क्या? क्या बात है, जोरदार गाया। कधीतरी येणार आहे का तो क्षण, कधीतरी येणार आहे का तो क्षण जेव्हा थांबणार आहे समाजाचं आक्रंदन। आज या ठिकाणी विवेक पंडितांनी प्रस्तुत केलेलं आणि शिष्कांत देशपांडे यांची कथा आहे, त्यांचं दिग्दर्शन आहे, निर्माते आपले गोविंद आयर आहेत, बरेचसे कलाकार आहेत। हा चित्रपट मराठीमध्ये अगोदर येतो, नंतर त्याचं हिंदीमध्ये डबिंग होणार आहे। 7 सप्टेंबरला हा चित्रपट मराठीमध्ये रिलीज होणार आहे। आणि एक तर समाजामध्ये जो होणार अन्याय आहे, माणसाला माणूस बनवण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचं संविधान बनवलं। आणि माणूस म्हणजे ज्या माणसामध्ये माणुसकी असते त्याला माणूस म्हटलं पाहिजे। ज्या माणसामध्ये सातत्यानं दुसऱ्यावर अन्याय करण्याची जी भावना आहे, ही भावना नष्ट करण्याच्या उद्देशानं समाजामधलं हे सत्य जरी नसलं तरी वेळोवेळीला होणारे अन्याय अत्याचार पाहिले। बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड जो कुछ सुना मैंने, जो समझा मैं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द सोसाइटी, फॉर द ऑडियंस, फॉर द पीपल, एवरीबडी कंसर्न। और ये टॉपिक मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी विषय पर दामिनी एक फिल्म मैंने बनाई है जो कोर्ट एंड जस्टिस के ऊपर ही था। मेरी थीम वॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेस्ड। और ट्रेलर भी बड़ा इंप्रेसिव लगा मुझे, एंड बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्में बनना, और फिल्म को कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिल से चाहूँगा इस फिल्म को बड़ी कामयाबी मिले और बहुत सारे लोग देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सब पसंद भी करेंगे। बॉलीवुड का क्या, सभी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये, महाराष्ट्र है ये, एंड मुझे तो लग रहा है कि ये बूम बड़ी देर से हो रही है, वरना होना चाहिए था। तमिलनाडु में तमिल फिल्में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्में, इतने बड़े ग्रोथ हो गई है उनकी वगैरह। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मराठी फिल्म काफ़ी लेट पिकअप लिया है, बट मेरा विश्वास है कि ये बहुत बहुत आगे जाएगी। पर्टिकुलर फिल्म लाइक सैराट जैसी पिक्चर ने लोगों की आंखें खोल दी है कि हिंदी फिल्म ने ज़्यादा बिजनेस किया उसने। तो मुझे लगता है कि जैसे ये फिल्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म लगती है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बड़ी दुख की बात है, ये हैरानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ काम किया था लज्जा में, उसने गाना भी गाया था, एंड वेरी वेरी नाइस लेडी, वेरी ग्रेसफुल पर्सन, अच्छे लोगों में है सोनाली बेंद्रे। तो वेरी वेरी शॉक्ड, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ एंड दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ठीक होकर लौटे, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने अभी तक नहीं पिक्चर देखी नहीं, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। बड़ी खुशी हो रही है कि फिल्म बड़ी कामयाब रही है, क्योंकि राजकुमार हिरानी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और रणबीर कपूर जिनके साथ मैंने पिक्चर की अजब प्रेम जी गजब कहानी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैंने सुना है कि दोनों का काम बहुत ही अच्छा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी देखूँगा फिल्म, उसके बाद बताऊँगा मैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर मिलिंद इनामदार, और सेंट्रल कैरेक्टर जो है बापू तपकीरे, ये कैरेक्टर मैंने किया है इस फिल्म में। और सौभाग्य है मेरा कि दिग्गज कलाकारों के साथ सेंट्रल रोल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सीखने को मिला इन लोगों से, और अन्याय क्या होता है, अत्याचार क्या होता है दलितों पे या गरीबों पे या खेती करने वालों पे। मैं वहाँ पे जहाँ कोल्हापुर के पास छोटे गांव में हमने शूट किया था, तो मैं बिल्कुल पूरे 22 दिन तक मैं बापू बन के रहा। मैंने कोशिश की कि मैं वैसा ही रहूँगा। मैं एक टाइम सिर्फ खाना खाता था रात का, दिन भर मैं खाना नहीं खाता था, और उन लोगों के पास जाके बैठता था, उनसे बातें करता था। इस फिल्म ने मुझे अंदर बाहर से बदल दिया है, इस वजह से, क्योंकि 30 रुपये पर डे पे काम करने वाले, खेती में दिन भर काम करने वाले लोग मैंने देखे। 30 रुपये क्या होते हैं? 30 रुपये के लिए दिन भर काम करने वाले देखे, तो मुझे महसूस हुआ कि हम लोग
बहुत सौभाग्य हमारा आया कि हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, मजदूरी भी करने वाले यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन हम लोग जो है उनको नहीं जानते। तो ये देखने के बाद मैं पूरा बदल गया। और आप लोगों ने मेरा इतना स्पेशल जन्मदिन मनाया और फिल्म मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये मुद्दा जो है वो इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इसको ना कोई लिखना चाहता है ना बोलना चाहता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हिम्मत है कि उन लोगों ने इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। जब इस तरीके की फिल्म बनती है तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बोझ एक डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है कि लोग सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उन पर उठाते हैं, थिएटर जलाने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। अभी तो प्रोमो शुरू नहीं हुआ और मुझे धमकी दो दिन पहले मिल गई कि पिक्चर रिलीज़ मत करना वरना। तो इस तरीके का मुद्दा जब रिलीज़ करने का टाइम आता है तो हमें खुशी होती है कि हम इस तरीके की फिल्म का हिस्सा बने और रिलीज़ करने के लिए लोगों ने मुझे चुना और मैंने इस फिल्म को यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचाया। योगेश भाई, आपका तो सपोर्ट 99% फिल्म में रहता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो सर को आज बर्थडे विश करना और हैप्पी बर्थडे बोलना है और आज बहुत उनके लिए गोल्डन और अच्छा दिन है और सर की टोटल फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ और उनके आउटडोर पार्टनर ब्राइट रहा है। बिल्कुल। और हिंदी पिक्चर से अभी सर मराठी पिक्चर में आ रहे हैं और मैं महाराष्ट्र में रहता तो मुझे गर्व है, खुशी है कि मैं आज इनके साथ मराठी पिक्चर में भी जुड़ा हूं। थैंक यू सो मच। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि और फिल्म का ट्रेलर भी मैंने देखा, काफ़ी अच्छा है और एनर्जेटिक और सॉलिड है। तो मैं मराठी पिक्चर मोस्टली मतलब कम देखा हूँ लेकिन ये फिल्म शायद मैं देखेगा। थैंक यू सो मच। योगेश जी जहाँ जुड़ जाते हैं वो सॉलिड हो ही जाते हैं, हमको कंधे पे चढ़ा देते हैं ऊपर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जसं मी म्हणालो की नेहमीच म्हणतो की मला जास्तीत जास्त सोशो पॉलिटिकल फिल्म्स करायला आवडतात कारण की आपल्या समाजामध्ये ज्या घटना घडत असतात त्याचं जर का प्रतिबिंब तुमच्या कलाकृतीमध्ये उमटलं तर एक कलाकार म्हणून जास्त आनंद होतो। आक्रंदन ही अशीच एक फिल्म आहे। काल परवासुद्धा काय मागच्या आठवड्यामध्ये धुळ्यामध्ये जो काही प्रकार झाला किंवा दर दिवसाआड दर महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इंटिरियरमध्ये जो एक पीडितांवर जो एक अत्याचार होतो आहे, अन्याय होतो आहे, अशाच एका घटनेविषयी भाष्य करणारा, अशाच एका घटनेला वाचा फोडणारा चित्रपट आहे आक्रंदन। मग अशी मी इथं आलो तेव्हा जसं म्हणालो की आज मला इथे पोचायला उशीर झाला कारण ट्रॅफिक खूप होतं, तसंच या पिक्चरच्या बाबतीत पण आहे। 2013 साली आम्ही शूटिंग केलेलं आहे आणि आता 2018 ते रिलीज होते, बट बेटर लेट दॅन नेवर असं आपण म्हणूया। त्यामुळे उशिरा का होईना एक अत्यंत सोशो पॉलिटिकल अत्यंत एक सेन्सिटिव्ह सब्जेक्ट रिलीज होतो आहे याचा मनापासून आनंद आहे। थँक्यू व्हेरी मच। ये जो प्रोग्राम था उसके लिए रामदास जी आए, बहुत खुशी हुई। ये जो विषय है, विषय बहुत सेंसिटिव विषय है और आज की तारीख में ये सब चीज़ें आज हो रही हैं। अभी भीमा कोरेगांव का जब जो अभी जो मसला हुआ भीमा कोरेगांव में, हम लोग उसी टाइम पे हम प्रदर्शित करते अगर शायद ये फिल्म तो पूरा महाराष्ट्र में आग लग जाती अगर ऐसी ये फिल्म है। लोगों ने कैसे लड़ना चाहिए ये इसमें दिखाया हुआ है। आज अभी क्या हो रहा है, सिर्फ अत्याचार होते हैं, सब लोग उसके ऊपर भाष्य करते हैं, उसके ऊपर चाय पीते पीते उसके ऊपर बात करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो जो दबा हुआ समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उन्होंने साथ में आके किस तरह से लड़ना चाहिए और किस तरह से इसका उत्तर देना चाहिए ये सब इसमें दिखाया हुआ है। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी, अच्छा मैसेज जाएगा और 30 तारीख को जब ये 30 नवंबर को जब हिंदी रिलीज होगी, अभी नई अभी 2019 नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, बसपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता ये फिल्म ऑलरेडी देख के गए हैं, हमारा डबिंग देख के गए हैं, तो उन्होंने बोला हुआ है कि ये फिल्म आनी ही चाहिए और आप हम उसको प्रदर्शित करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो काफ़ी कुछ राजकीय समीकरण बदल सकते हैं ये फिल्म से समझे। कितना चैलेंज था एज ए प्रोड्यूसर इस फिल्म को करना और लोगों तक लाना ये बात, बिकॉज की बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट। सर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और भी लड़ रहे हैं, हमको मतलब ये फिल्म प्रदर्शित मत करो ये बोला गया था, बट ये प्रदर्शित ना हो करके बहुतों ने काम किया, लेकिन जब उन्होंने ऐसे बोला कि हम लोग नहीं कर सकते, ये बहुत सेंसिटिव हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, तो हमने बोला ठीक है हम ही करते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन करेंगे।
थैंक यू। क्या प्रेरित किया आपको इस विषय पे फिल्म बनाने के लिए? जो कलाकार हैं काफी काफी टैलेंटेड कलाकार के लिए फिल्म है और उसे भी काफी जीवंत नजर आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं मराठी में बोलूँ कि हिंदी में? आपको जिसमें कन्वीनियंट हो। ही मराठी ही हा सिनेमा मराठीत आहे पण आम्ही हिंदीमध्ये पण डब केलेला आहे। मुळात आपल्याकडे जातीवाद धर्मवाद हे इतकं बोकाळलेलं आहे की बऱ्याच वेळा असं कधी कधी वाटतं की न्याय मिळताना सुद्धा जात पाहिली जाते ना, आणि हेच दुर्दैव आहे या देशाचं की आमच्याकडे जातीवाद म्हणलं। मी भारतीय एवढं खूप नाही आहे का, याच प्रेरणेतनं हा सिनेमा केला। तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी फिल्में दिखाता है करप्शन पार्ट दिखाता है, जो कितना सही कितना गलत दिखाता है? सर देखो ऐसा है, करप्शन पार्ट सही है या गलत है ये तो पब्लिक बहुत अच्छा जानती है। मैंने टीवी पर प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं कि करप्शन होना नहीं चाहिए, मगर हो तो रहा है ना। राइट। तो वो अगर हम देख के ये सोचे कि करप्शन नहीं करें, करप्शन नहीं करें मतलब ताली दोनों हाथों से बजती है, देने वाला है इसीलिए लेने वाला है, जिस दिन देने वाला खत्म होगा तो अपने आप लेने वाला खत्म हो जाएगा। और आपके तरफ से क्या होगा फिल्म को? आपने देखा कितना आपके दिल को छुआ या आपको कितना प्रभावित किया इस फिल्म? हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड डे नाइट न्यूज की खबरें पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।